डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। औरैया जनपद के अछलदा थाना क्षेत्र में एक जनरल स्टोर की दुकान से चोर ने महंगे मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिए। चोर की यह हरकत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। हम आपको बता दें कि अछालदा थाना क्षेत्र के महार बाजार में एक जनरल स्टोर पर एक युवक बड़े सातिराना अंदाज में आया और दुकानदार से सरसों के तेल की शीशी मांगी। दुकानदार जब सरसों के तेल की शीशी लेने गया, इतने में उस युवक ने दो महंगे फ़ोन पार कर दिए, जिसमें एक आईफोन 7 थी, जिसका सूचना दुकानदार ने अछालदा पुलिस थाना को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर युवक की पहचान धर्मवीर के रूप में की। कई चोर को पुलिस ने दबोच कर गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से एक मोबाइल भी बरामद कर लिया, जबकि उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया। पुलिस से पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है और पिछले किसी वारदात में तो शामिल नहीं थे, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अछलदा थाना क्षेत्र में सीसीटीवी में चोर कैद हुआ है जो मोबाइल चोरी करता नजर आ रहा है, क्या है सर पूरा मामला? देखिए, नहर बाजार में किराने की दुकान पवन कुमार गुप्ता जी की है। इन्होंने कल एक प्रार्थना पत्र दिया थाने पर कि मेरी दुकान पे लगभग 7:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और तेल की शीशी मांगी और मैं तेल की शीशी उसको दी और इसी बीच में अपने वीवो को और एप्पल का मेरे दो मोबाइल अपने जेब में रख लिए और वहाँ से चलता रहा और सीसी फुटेज के आधार पर उसका चेहरा पहचाना गया और वो धर्मवीर उस धर्मा जो टेली क्षेत्र का रहने वाला है उसके यहाँ टीम दबिश दी गई तो वो व्यक्ति भागता हुआ अपने खेतों के बीच में पाया गया और नशा भी किया हुआ था। उसके साथ उसका एक साथी और था मुकेश, वो उसराहार का रहने वाला है। दोनों के पास से दोनों चोरी गए मोबाइल जो टप्पेबाजी करके वो ले गए थे। दोनों के वीवो और एप्पल बरामद कर लिया गया है, थाने पे लाए गए हैं और पूछताछ इनसे की जा रही है कि इनके आउटलेट्स और क्या हैं, पहले इनका पूर्त्यास रहा है या नहीं रहा है, अन्य मोबाइल चोरी में या अन्य चोरी में क्या इनकी क्या भूमिका रही है, पूरी पूरी पूछताछ की जा रही है और नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर मान लिया।